हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर आल ब्रांच। हमारा जो टॉपिक है वो सर्किल है। आज हम देखेंगे कि सर्किल क्या होती है और सर्किल की परिभाषा, उसके साथ साथ हम उसके सारे क्वेश्चन और फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सर्किल की परिभाषा क्या होती है। जब कोई बिंदु दूसरे बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि गतिमान बिंदु से निश्चित बिंदु की दूरी हमेशा नियत रहती है तो उसका बिंदु पथ वृत्त होता है। दोस्तों, यह थी वृत्त की परिभाषा। अब इसके बाद हम फार्मूले की बात करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो वृत्त का समीकरण होगा, जब केंद्र तथा त्रिज्या दिया हो, जैसे त्रिज्या हमारी है तथा केंद्र यचकामा के दिया है, तब हमारा क्या होगा वृत्त का समीकरण, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा वृत्त का समीकरण। और सेकंड जब हम करेंगे, जब वृत्त का समीकरण जब केंद्र वर्चिन पर हो तब उसकी बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्त का सामान्य समीकरण जो होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब इसका केंद्र निकालेंगे हम, हमारा क्या होगा, इसका केंद्र जहाँ केंद्र हमारा होगा जी कामा एच, जहाँ हमारा केंद्र जी कामा एफ होगा तथा त्रिज्या जो होगी त्रिज्या बराबर होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, हो जाएगी त्रिज्या ए बराबर हमारा हो जाएगा। ये इस कंडीशन में हमारा बिलोंग करता है। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट फार्मूले की, वो हमारा होगा, यदि वृत्त के व्यास के सिरे एक्स वन वाई वन व एक्स टू वाई टू हो तो वृत्त का समीकरण एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो होगा। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम जब केंद्र हमारा होगा क्या होगा कि एक्स अक्ष पर होगा, तब क्या होगा हमारा, इसका फार्मूला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब हमारा केंद्र एक्स अक्ष पर होगा, जब हमारा केंद्र वाई अक्ष पर होगा तब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब वर्चिन रेखा वृत्त पर होगी तब क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा।
अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला वाला वो दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर 2, 3, जो हमारा इसका सेंटर है। देखिए हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस। सेंटर हमारा जो है h, k का मान h, k बराबर हो जाएगा हमारा 2, 3 दिया हुआ है, और रेडियस जो हमारी त्रिज्या a बराबर हमारा है 5 दिया हुआ है। अब इसका जो हमारा निकालना है इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया x माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस तरह से हमारा जो होगा इसका समीकरण होगा। तब सिंपली क्या करना है, इस समीकरण इस फार्मूले में आपको मान रख देना है h, k और a का मान। जब इसका मान हम पुट करेंगे तो x माइनस ये हमारा h है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k हमारा है 3 दिया हुआ है। जब 3 दिया है इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर ए स्क्वायर बराबर हमारा 5 दिया है, इस तरह से होल स्क्वायर हम करेंगे इसका। तो उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है तो इसको तोड़ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 × 4 एक्स हो जाएगा प्लस, आप इसको कोष्टक लगा सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 25, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको हल कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको ऑर्डर वाइज लिखना है, इसके बाद माइनस 4x माइनस 6y और ये हमारा हो जाएगा 9 × 4 = 13 प्लस 13 इक्वल टू 25, इस तरह से जब हमारा होगा। उसके बाद हम कुछ सिंपली इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 6y, उसके बाद जब 13 में से 25 हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 इक्वल टू 0, इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। नमरा ये क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 तथा 3, 6 से होकर जाता है। तो इसका समीकरण जब निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हमारा वृत्त कोई दिया हुआ होगा, उसमें क्या करना, आपका सेंटर जो है सेंटर हमारा 2, -1 दिया हुआ है, उसके बाद ये होकर जाता है 3, 6 से होकर जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या जब हम एक निकालेंगे ये बराबर निकालेंगे अंडर रूट, इसको एक्स मानेंगे, इसको एच मानेंगे, एच का मके मानेंगे, इसको एक्स वन और एक्स टू मानेंगे। जब इसको मानेंगे एक्स वन वाई वन मानेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, आपको मान पुट कर देना है। तो हम जब रखेंगे इसमें ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का मान हमारा दिया हुआ है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर हमारा 6 दिया, 6 माइनस 1 है तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस हमारा ये हो जाएगा 6 × 7 प्लस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे जब हमारा, तो हमारा ए बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 49, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 50, इस तरह से हमारा रेडियस जो निकल कर सामने आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वृत्त का समीकरण जब निकालेंगे तो हमारा, हम बताए हैं आपको वृत्त का समीकरण जो होता है हमारा फार्मूला उसका होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर, इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। जब हम इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 50 का स्क्वायर होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसका देखेंगे हम सॉरी गाइस, इस फार्मूले पे रख के हम गलत तरीके से थोड़ा बता रहे थे, हमारा जो किस तरह से होगा ये हम बता रहे हैं। हमारा ये होगा एक्स का मान यहाँ हम रखेंगे एक्स माइनस एच का एच और के का मान रखेंगे केवल, और बाकी सभी वैल्यू ऐसे ही रहेंगी। तो हम जब इसको रखेंगे तो एक्स माइनस एच का मान हमारा क्या है, ये एच का मान के है तो टू है, टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के बराबर हमारा है माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना, आपको इसको तोड़ लेना। जब इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई बराबर अंडर रूट, जब ये होल स्क्वायर है तो हमारा होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर 50 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर वाइज लिख देना। जब इसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई, और फोर और प्लस वन मिलकर हो जाएंगे फाइव हो जाएंगे इक्वल टू 50, इस तरह से हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस 45 में से जब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45, इस तरह से हमारा आंसर जो होगा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो इधर हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा ये निकल कर आ जाएगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या क्या करिए जिसका समीकरण 2x² प्लस 2y² प्लस 5-6y प्लस 3=0 दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना, वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करना। वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो वृत्त का व्यापक समीकरण हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होता है हमारे वृत्त का व्यापक समीकरण। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में इसको लाना है। जब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम 2x² प्लस 2y² प्लस 5x-6y प्लस 3=0 को समीकरण एक मान लेते। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में दो से भाग देने पर, तो जब इसमें दो से आप भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, दो दो यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा x² प्लस y² प्लस 5/2x माइनस 6/2y प्लस 3=0। उसके बाद यहाँ से हमारा 3×6 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2
एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इसको आपको निकालना है। इसमें क्या 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 पूछा कि केंद्र तथा त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का केंद्र हमारा होता है, इस फॉर्म में हमारा वृत्त का केंद्र क्या होता है, माइनस जी कमा माइनस एफ। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ आपको दिया हुआ है टू जी एक्स। अब इसको क्या करना है, आपको तुलना करने के बाद टू जी एक्स बराबर टू जी एक्स सीधे पे हमारा क्या है फाइव बाई टू एक्स। तो आपको क्या करना है, टू जी एक्स बराबर फाइव बाई टू एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और टू जी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा टू जी एक्स बराबर फाइव बाई टू। अब जब इसका मान जी का मान हम निकालेंगे तो जी बराबर हो जाएगा हमारा फाइव बाई फोर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका मान हमारा हो जाएगा फाइव बाई फोर हो जाएगा। इसके बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, इसी क्रम में हम टू एफ वाई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस थ्री वाई, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और एफ बराबर हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमारा इस तरह से निकलेगा उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ फार्मूले में हमारा माइनस जी और माइनस एफ का मान दिया, तो जब इसको हम लगाएंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसके बाद हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा और जो हमारा यहाँ होगा ये क्या होगा, इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा केंद्र जो हमारा आ जाएगा थ्री बाई टू, तो हमारा इस तरह से केंद्र आ जाएगा माइनस फाइव बाई फोर कामा थ्री बाई टू, इस तरह से हमारा आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अब क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकालना है। जब त्रिज्या निकालेंगे आप इसका, तो हम जानते हैं त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या ए बराबर होता हमारा अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, इस तरह से होगा। अब सिंपली आपको जी और एफ का मान दिया हुआ है, यहाँ जी और एफ का मान दिया हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, और सी बराबर हमारा हो जाएगा थ्री हो जाएगा, सी बराबर हमारा थ्री बाई टू हो जाएगा। जब थ्री बाई टू होगा, यहाँ से जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ भी थ्री बाई टू आएगा, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। इसके बाद इस तरह से होगा। अब सिंपली क्या करना है, इसका मान इसमें पुट करेंगे, जब इसका मान इसमें पुट करेंगे तो माइनस फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, इस तरह से हो जाएगा। जब इसका करेंगे हम तो क्या करेंगे, इस तरह से जब इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 बटे 16 प्लस 9 बटे 4 माइनस 3 बाई टू, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि हमारा जो 16 ऐसी संख्या है जो कट जाएगी सभी से, तो आपको सब सिंपली क्या करना है, 25 प्लस 9 चौक 36 माइनस 24, इस तरह से हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ घटा और जोड़ लेना है। जब अब इसको करेंगे तो हम 36 25 मिलकर हो जाएगा 35 45 20 60 एक 61 माइनस 24 हो जाएगा हमारा 61 माइनस 24 तुम्हारा हो जाएगा 37 बटे 16 अंडर रूट में आ जाएगा, इस तरह से 37 बटे 16 आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ इसका
तो होल स्क्वायर, चार का होल स्क्वायर 16 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हल करना चाहते हैं हल कर दीजिए, या चार आ जाएगा और अंडर रूट में इस तरह से आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।